जिन लोगों को ये जड़ी बूटियाँ चाहिए वो लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ मतलब के पूरे यूँ समझ लो कि 27 जड़ी बूटियाँ मैं यूज़ करता हूँ। 27 जड़ी बूटियों का जो पाउडर होता है, चाय मैं कैसे बनाता हूँ तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि ये जड़ी बूटी होती है ना, उसको अलग से यूज़ करना पड़ता है। पहले मैं एक छोटी सी ऐसे एक मेरे पास एक दिखाता हूँ मैं, देखो ये, हाँ ये है। तो इसे अब आप हिंदी में आप लोग क्या बोलते हो मुझे नहीं पता है। ये देखो, ये गुल्लक है ऐसा छोटा सा। तो जड़ी बूटियाँ आपको आधी आधी चम्मच इसके अंदर डालनी है। पहले मैं डालता हूँ, मतलब उठने के बाद सीधी मैं इसके अंदर आधी आधी चम्मच सारी जड़ी बूटियाँ डाल देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर है ना पूरा ऐसे, मतलब यहाँ तक इसको मैं पानी से भर देता हूँ। फिर तब तक मैं अपना मतलब ब्रश करता हूँ। आप लोगों को पता ही है मैं ब्रश किचन में ही करता हूँ सालों से, मतलब 200 सालों से मैं ब्रश किचन में ही करता हूँ। तो जैसे ही मेरा ब्रश का सब कुछ कार्यक्रम ख़त्म होता है, तो उसके बाद ये जो जड़ी बूटी वाला पानी है ना, वो पहले मैंने वो चाय बनाने का जो बर्तन है उसके अंदर डाल देनी है। उसके अंदर थोड़ा और पानी लेना है। उसके बाद मैं चाय यूज़ नहीं करता हूँ, चाय पत्ती आप लोग जो यूज़ करते हो ना, मैं चाय पत्ती यूज़ नहीं करता अभी। उसके बाद इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा डालता हूँ, अदरक डालता हूँ इसको ऐसे घिस के। अदरक के अंदर फिर मैं डालता हूँ 20-25 इलायची। इलायची इसलिए डालता हूँ कि इलायची हर रोज खाने से तुम्हारा जो सेक्स पावर की जो बुनियाद होती है वो बहुत ही मतलब हमेशा संक्रमित रहती है, हमेशा तुम उत्तेजित भावना में रहते हो। तो उसकी वजह से मैं 15-20 इलायची यूज़ करता हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको मैं उबालता हूँ। जैसे उबलन आती है, देखो अब यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन उबलन आने के बाद या तो तुम काऊ का मिल्क यूज़ कर सकते हो। काऊ का मिल्क अगर तुम यूज़ करोगे तो हेल्दी रहेगा, भैंस का मिल्क यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं काऊ का मिल्क यूज़ करता हूँ। तीन ऑप्शन होते हैं, काऊ का मिल्क, भैंस का मिल्क और बकरी का मिल्क। यहाँ पे गोट मिल्क भी मिलता है, लेकिन गोट मिल्क मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और चौथा भी एक ऑप्शन होता है, जो ऑप्शन मतलब आप बहुत ही नसीबदार हो, आप बहुत ही मतलब आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, या तो फिर आप बहुत ही अपनी क्या बोलते हैं उसको, हाँ बहुत ही तुमने बहुत ही अच्छे अच्छे कर्म करके तुमने नसीब को अच्छा बनाया है। तो चौथा ऑप्शन ये है कि अगर तुम्हारी बीबी है, या तो तुम्हारी, चलो बीबी होती है, बीबी से ही होता है, गर्लफ्रेंड से तो होता नहीं है। अगर तुम्हारी वाइफ है तो तुम अपनी वाइफ का दूध निकाल के उसको मतलब पूरा जग में दूध निकाल के तुम फ्रीजर में रख दो। उसके अंदर बहुत प्रोटीन्स होते हैं, बहुत विटामिन्स होते हैं, तो वो दूध भी तुम यूज़ कर सकते हो चाव बनाने में। उससे मतलब वो जो जड़ी बूटी की जो ताकतें हैं ना, वो ताकतें एक्स्ट्रा हो जाएगी, है ना। तो जो लोग मतलब सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं, इन लोगों को ये करना चाहिए। हाँ, और जो लोग जिम करते हैं,
जो लोग एवरीडे वर्कआउट करते हैं और जो लोग शादीशुदा है उन लोगों को ये जो प्रोटीन शेक ये लोग बनाते हैं, तो वो प्रोटीन शेक बनाने में उन लोगों को अपनी अपनी वाइफ का जो नेचुरल मिल्क है वो नेचुरल मिल्क उन लोगों को यूज़ करना चाहिए प्रोटीन मिल्क और शेक बनाने में। तो उससे उनका जो प्रोटीन का जो बूस्ट होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब प्रोटीन और जो मिल्क है उसके अंदर भी मतलब बहुत सारा प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो ये जो मेरे जिम करने वाले भाई है उन लोगों को ऐसे मतलब वो प्रोटीन का जो आता है ना, ये जो प्रोटीन का वो जो मग लेके जाते हैं जिम में, तो उसके अंदर प्रोटीन का पाउडर डाल दिया, दूसरे कुछ विटामिन्स डाल दिए, ठीक है, बीबी को बुलाया, ऐसे पकड़ा, निचोड़ा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मतलब भर गया, ऐसे हिला, फिर चलो भाई जिम के लिए। तो उससे दो चीज में फायदा होता है, जो औरत होती है उसको कभी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, और जो बंदा होता है उसको अच्छा 100% प्रोटीन वाला मिल्क उसको पीने को मिलता है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि दूध का खर्चा भी बच जाता है। तो ये जो मेरी चाय है, तो जैसे ही उबाल आता है, उबाल आने के बाद इसके अंदर मैं मिल्क डालता हूँ। मिल्क आने के बाद भाई एक या दो उबाल आ जाए, राइट, उसके बाद मैं उसको थोड़ा ठंडा होने देता हूँ, और उसके बाद ये चाय को हर रोज मैं पीता हूँ। भाई मेरा जन्म, मैं सच बताता हूँ, आज मेरा जन्म हुआ है 1962 में। 1962 में मेरा जन्म हुआ है। मैंने अंग्रेज भी देखे हुए हैं, सॉरी 1962, आई एम सो सॉरी, मैं गलती से मिस्टेक हो गई मेरी, और 1953, 1953 में मेरा जन्म हुआ है। 1950 मैंने बहुत सारे अंग्रेजों को भी, मैंने भारत छोड़ो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हुई है जब मैं मतलब 4-5 साल का था। अभी तक मेरी 6 बीबियाँ मुझे छोड़ के स्वर्गवास हो गया है उनका। मेरी 6 बीबियों का मुझे छोड़ के स्वर्गवास हो गया है, लेकिन जो मैं हूँ ये सारी जड़ी बूटियों का कमाल इसीलिए है। भाई देखो मैं सच बोल रहा हूँ आज, ये झूठ वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम लोगों को लगता है ना 1952 का मेरा बॉन्ड नहीं है, तो भाई मैं आज स्टोरी पे मेरा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लगाऊंगा जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1952, आज मैं लगाऊंगा, आज मैं गवर्नमेंट प्रूफ दूंगा तुम लोगों को कि आई वॉज बॉर्न इन 1952, मेरी 6 बीवियाँ मुझे छोड़ के उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज भी मैं वही पोजीशन में हूँ, आज भी मैं, मेरे अंदर वही चमक है, आज भी मेरे अंदर वही एनर्जी है, आज भी मैं मतलब घोड़े की तरह दौड़ता हूँ मैं। सोचो भाई, ये सारा चीज़ है जड़ी बूटियों का कमाल है। 1967 में जब मैं गया था हिमालय में, बाबा कामदेव के साथ उनका शिष्य मैं बना था, एक मिनट, बाबा कामदेव का जब मैं शिष्य बना था तो बाबा कामदेव ने मुझे ये सारी जड़ी बूटियों का नॉलेज दिया था। बाबा कामदेव 200 साल के हैं, सॉरी नहीं, बाबा कामदेव शायद 250 साल के हैं,
बाबा कामदेव जो है वो बंदा 250 साल का है भाई। आज तक वो बंदे ने कभी भी अपना जो जन्म पत्र होता है, पैदा होने पे जो गवर्नमेंट का बॉर्न सर्टिफिकेट होता है, एक जन्म पत्रिका होती है, वो जन्म पत्रिका आज तक वो बंदे ने किसी को नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि उसके राज खुल जाते। ही इज अ 250 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय, नॉट द ओल्ड गाय। भाई समझना बात को, ही इज 250 ईयर्स ओल्ड, नॉट द ओल्ड गाय, यंग एनर्जेटिक मैन, बाबा कामदेव। हाँ, तो यही देखो, ये जो पतंजलि में सारी चीजें मिलती है ना, जैसे कि पतंजलि का घी है, तो वो घी के अंदर मतलब ये लोग 100% जड़ी बूटियों का यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ 2-3 या 4% ही वो लोग जड़ी बूटी का यूज करते हैं। लेकिन ये जो जो हमारा हमारा एक हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो कल्चर है, वहाँ पे जड़ी बूटियों का और इंसानों का संबंध जो है वो हजारों साल पुराना है। तो एवरीथिंग इज बाय जड़ी बूटी। तुम्हें पता है कि जब लक्ष्मण को तीर लगा था, वो नागों ने लक्ष्मण को ऐसे झमेट लिया था, राइट? तो लक्ष्मण को भी ठीक होने के लिए हिमालय की जड़ी बूटियों की जरूरत हुई थी। तुम्हें पता है, यह शास्त्र में वाल्मीकि ने लिखा हुआ है। मिस्टर वाल्मीकि राइट डाउन इन हिज रामायण, राइट? मिस्टर वाल्मीकि ने यह बोला था कि जब लक्ष्मण को सब नागों ने ऐसे चिमट लिया था, तो जड़ी बूटियों की मदद से लक्ष्मण अच्छे हुए थे। तो ये जो सारी जड़ी बूटी है, राइट, ये सारी जड़ी बूटी इंसान की जिंदगी बहुत ही लंबी करती है और बहुत ही सालों तक उसको जवान रखती है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने मतलब एक दिन जड़ी बूटी ली, फिर तुम ये सोचे कि भाई चलो ये तो जादुई चिराग है, अब तो एक दो दिन में ही हम लोग यंग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसका संस्कृत वर्ड था, एक मैं भूल गया। हाँ, इसका जो हरण है, जड़ी बूटियों का जो हरण है, वो हरण तुम्हें हर रोज करना पड़ता है। अगर तुमने मतलब एक ही दिन जड़ी बूटियों का हरण किया और फिर बोला कि नहीं बाबा जी मुझसे तो नहीं हो रहा है, बाबा जी ये जड़ी बूटियां बड़ी बूटियां बाबा जी हमारे काम की चीज नहीं है बाबा जी, तो नहीं होगा। एक 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 दिन में मतलब क्या होगा? इसका आविष्कार, इसका हरण तुम्हें हर रोज करना है। वेदों में लिखा है भाई, मैं नहीं बोल रहा, वेदों में लिखा है, वेदों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जड़ी बूटी के बारे में। वेदों में एक जड़ी बूटी है, मैं आपको थोड़ा नॉलेज देता हूं। एक जड़ी बूटी है जो जड़ी बूटी का नाम है जीवन जली। हिमालय में होती है ये जड़ी बूटी। अब तो शायद पता नहीं, वो मिल पाना ही बहुत मुश्किल है। होती होगी वो जड़ी बूटी, होती है जीवन जली। लेकिन वो जड़ी बूटी जो है ना, हिमालय के ऐसी जगह पे होती है जहां पे जाना नामुमकिन है, जहां से बंदा वो जड़ी बूटी लेकर वापिस नहीं आ सकता। है वहां पे हिमालय में है ये जीवन जली नाम की जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी एक ऐसी चीज है कि मरे हुए इंसान को ये जिंदा करती है। ते ही बाबा कामदेव ने अपनी ब्रांड का नाम रख दिया पतंजलि। जीवन जली तो बाबा ला नहीं पाए, तो बाबा ने मतलब डिस्कशन किया
और फिर सोचा कि भाई अब हम जड़ी बूटियों का जो बिजनेस करने वाले हैं उस फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखा जाए। तो फिर मैंने बाबा को बोला कि देख बाबा, जीवन जली तो हम लोग ला नहीं पाए, इतने साल से यहाँ तपस्या कर रहे हैं भूखे पेट, खाने को तो सिर्फ जड़ी बूटी देता है, लंच में भी जड़ी बूटी, डिनर में भी जड़ी बूटी, बहन का लौड़ा ब्रेकफास्ट में भी जड़ी बूटी, ठीक है, पेड़ पौधों से निकला हुआ जो पानी होता था उसको बाबा बोलता था कि भाई लो मदिरा पियो, ठीक है भाई। ऐसे मैंने मेरी जिंदगी के 20 साल उसके साथ निकाले। मैंने बोला देख भाई, अब जीवन जली तो मली नहीं, अब पतंजलि पे ही लोगों का चूतिया काट ले। जीवन जली तो मिली नहीं, अब पतंजलि पे ही लोगों का चूतिया काटते हैं। बाबा ने बोला चलो ठीक है, लग जाओ काम पे। तो ये जो पतंजलि है उसका नाम ऐसे हुआ था, जीवन जली, जीवन जली से पतंजलि हुआ। हाँ, एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने वहां पे जो पतंजलि का जहर था, राइट, वो पतंजलि का जहर हमने एक बंदे को वहां पे खिलाया एक्सपेरिमेंट के लिए। भाई उसको हमने, मतलब यूं समझ लो कि पूरा 500 ग्राम जहर उसको हमने दूध में मिला के अच्छे से ऐसे घोल के उस बंदे को दे दिया, 500 ग्राम मिल्क में पतंजलि का जहर था। भाई वो बंदा पी गया, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट ये था कि इसकी मौत होगी लेकिन इसको पता नहीं चलेगा कि इसकी मौत हो गई, मतलब आराम से एकदम, मतलब आराम से इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मतलब ना तो चीखना चिल्लाना, ना तो कुछ दर्द सहना, कुछ भी नहीं, आराम से। और एक्सपेरिमेंट में ये था कि इसके मरने के बाद उसका जो गला है ना, ये गला मरने के बाद इसको पूरा यहाँ पे नीला नीला हो जाएगा, गले के आसपास पूरा नीला नीला हो जाएगा, ऐसा एक्सपेरिमेंट था। भाई भोसड़ी वाले ने पी लिया पतंजलि का जहर, घटाघट 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 पी, उसको भी पता था इसमें जहर है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा कामदेव के लिए अपने आप को आगे रखा, हमेशा हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर किए। भाई वो तो पी गए, एक शिष्य था ये उत्तराखंड, ये अपना हिमालय की, मतलब चोटी से कहीं, हिमालय की जो चोटी नहीं तलेटी, हिमालय की जो तलेटी है ना, वहीं के छोटे से गांव से था वो। भाई घटाघट घटाघट वो पी गया, ठीक है। अब 1 घंटे बाद भाई वो सो गए। अब हम लोगों को ये लगा कि बहन का लौड़ा मर गया होगा, 1 घंटे बाद सोया, 2 घंटे सोया, भाई ये बंदा उठा 5 घंटे बाद, इसने ये बोला कि बाबा जी बहुत जबरदस्त भूख लगी है, मतलब रहा नहीं जा रहा है, कुछ खाने का भोजन का बहनचोद प्रबंध किया जाए। भाई कामदेव खुद सोच में पड़ गया कि ये भोंडको लंडको बहनचोद ये पतंजलि का जहर दिया था, ये भोसड़ी का बोल रहा है कि बहनचोद भूख लगी है, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था किसी और चीज के लिए लेकिन हुआ पॉजिटिव। तो अगर तुम लोगों को मरना है ना, तो तुम लोग पतंजलि का जहर पी सकते हो, उससे तुम मरोगे नहीं, सिर्फ मरने का तुम्हें एहसास होगा। एहसास मतलब कि 4-5 घंटे की तुम्हें नींद आएगी, तुम्हारा जो डिप्रेशन है, तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, मरोगे नहीं तुम। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट से इंडिया में बहुत सारे लोगों ने यूज किया है ये जहर, उसके बाद कोई नहीं मरे, कोई नहीं मरा। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि अगर अब आत्महत्या करनी है
जो भी यंग लोग सट्टे में पैसे हार गए हैं, जुए में घर जमीन बिक गई है, या तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, या तो पत्नी से तल्लाक हो गया, या तो बच्चों ने लात मार के बाहर निकाल दिया, तो इंडियन गवर्नमेंट खुद बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में पतंजलि का जहर पी लो। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद, मोदी जी की खुद की साइन है उसके ऊपर, मोदी जी की खुद की साइन है उसके ऊपर, मोदी जी ने खुद अप्रूव किया है अपनी लैब में। मोदी जी खुद पीते हैं कभी कभी, जब स्ट्रेस लेवल मोदी जी का हाई हो जाता है पीते हैं मोदी जी। हाँ, जब उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, जब मोदी जी फंस जाते हैं सभी जगह से, है ना, तो वो बोलते हैं कि भाई पतंजलि का जहर लाया जाए, फिर सो जाते हैं वो 5-6 घंटे। उठने के बाद बंदे को कुछ याद ही नहीं होता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, जिंदगी में देश में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कुछ याद नहीं होता। सही में भाई ये जहर काम करता है, बहुत सारे लोगों ने किया है, तुम भी करो। तो जिन लोगों को भी पैसों की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, पैसे उधार नहीं दे पा रहे हो, जुए सट्टे में पैसे हार गए, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मतलब कि तुम शिक्षित बेकार हो, बहुत क्वालिफाइड हो, फिर भी तुम्हें मतलब के भैनचोद प्यून की जॉब के लिए तुम्हें फॉर्म फिलअप करना पड़ रहा है, मतलब ये सारी सिचुएशन में अगर तुम्हें अपने आप को मारना है, मरते नहीं हो तुम, सिर्फ सब भूल जाओगे 5-6 घंटे बाद। तो ऐसा एक जहर हम लोगों ने बनाया था। और उसके अलावा गाय का शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी, सोचो इसमें भी एक बहुत बड़ी लॉजिक की बात है कि जिस देश में गायों की हालत सबसे खराब है, जिस कंट्री में गाय बिचारी मतलब बैंचो, कोई स्कूटर घुसा देता है गाय के अंदर, तो कोई बाइक घुसा देता है, तो कोई मारता पीटता है गायों को, गाय कूड़ा कचरा खाती है, मतलब एकदम गाय। मैंने बचपन में है ना, मतलब हिमालय में भी, हम लोग हिमालय में रहते थे, वहां की गाय देखो तो भाई तुम डर जाओ, तुम डर जाओ वहां की गाय देख के। ए भैनचोद, बड़े बड़े कान, ए भैनचोद, इतने बड़े बड़े पैर, इतनी लंबी लंबी मुंह, और देखने से भैनचोद तुम्हें ऐसा लगे कि साक्षात देवी का अवतार ऐसा लगे तुम्हें। लेकिन अभी देखो कूड़ा कचरा खा रही है। अब कूड़ा कचरा खाने वाली गायों में से भी हम लोगों ने गाय का शुद्ध घी बनाया, सोचो। कूड़ा कचरा खाने वाली जिस देश में गाय को हम लोग पूछते हैं, उसी देश में सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति गायों की है, उसमें से हम लोगों ने शुद्ध घी बनाया। क्यों बना वो शुद्ध घी? ये जड़ी बूटियों के हिसाब से सोचना भाई, सोचने वाली बात है ये, करने से होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर बोला बाबा जी हमसे तो नहीं हो रहा है, बाबा जी हमसे तो कुछ ना, तो जड़ी बूटी का हो रहा है ना, तो हमसे कुछ खाया जा रहा है। करने का काम है, करने से होगा, कर्म की विद्या है ये, करोगे तो सब कुछ होगा, कर्म की विद्या है ये, करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने बनाई है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करो, गाय का शुद्ध घी, जहां पे गाय बिचारी कूड़ा कचरा खाती है दिन भर, उसमें से भी घी बनाना, वो भी शुद्ध घी, वो भी एक कला होती है, वो भी एक निष्कर्ष होता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रयोग है वो। हाँ, तो
भाई ऐसे ही नहीं बनी है, 5,000 करोड़ की कंपनी सालों, मतलब ये सब जड़ी बूटियों का कमाल है। अब मुझे ही देखो, मुझे ही देखो बहनचोद। बहनचोद 1952 में जन्मा हुआ इंसान, बहनचोद आज भी मैं इतना काम करता हूँ, इतना बहनचोद मैं स्टेमिना है मेरे अंदर, इतना बहनचोद मैं बिजनेस करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तो अभी नहीं, मेरे मेरे में है, सर पे है मेरे, मेरे कुछ दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, है कुछ मेरे सर पे सफ़ेद बाल, इतने भी नहीं है, ये देखो दिख रहे हैं कुछ कुछ सफ़ेद बाल है, कुछ कुछ आ गए हैं, लेकिन अभी भी इतना कुछ कुछ आ गए हैं, मतलब 5, 6, 7, 15, 20, देखो ये दिख रहा है, ये कुछ कुछ, ये देखो कुछ कुछ सफ़ेद बाल दिख रहे हैं तुम्हें, देखो हाँ। लेकिन इस एज में ये देखो कितने हरे घने बाल है, देखो ये देखो, क्यों भाई? इंडिया में बहनचोद 27वां बंदा टकले हो जा रहे हैं, 28 में बहनचोद टकले हो जाते हैं भाई, 30 पे, 35 पे, 36 पे दिखते हैं कि ये बंदा है ना बहनचोद, बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, राइट? मैंने सारी जड़ी बूटियों का हमेशा मैंने यूज़ किया, सारी जड़ी बूटियों को मेरे अंदर मैंने ठूसी हुई है। हाँ भाई, एक टाइम था जब मैं, ये जो तुम लोग फास्ट करते हो ना फास्ट, भाई मैं 3-3 महीना फास्ट करता था कंटिन्यूअसली, 3-3 महीना मैं फास्ट करता था। तुम लोग तो फास्ट करते हो कि चलो भाई पूरा दिन कुछ नहीं खाया, अब बहन चो पूरे दिन का साथ में ही खा लो, मतलब तुम्हारे फास्ट की भी चॉइस होती है कि भाई चलो अभी श्रावण चल रहा है तो एक टाइम ही खाना है, श्रावण में मतलब शुद्ध रहना है, फिर नवरात्रा में तुम लोग एक टाइम खाते हो, ऐसे नहीं होता भाई फास्ट। और फास्ट करने के लिए ना तो श्रावण जरूरी है, ना तो नवरात्रि जरूरी है, ना तो कुछ भी जरूरी है। मैंने 3 महीना फास्ट किया है, मैं करता था, लेकिन अभी अभी थोड़ा होता है ना, तो मैं तीन तीन महीने मैं फास्ट करता था, और उस फास्ट में भी पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ आधा ग्लास समझते हो, मतलब इतना पानी पीना है पूरे दिन में, मतलब 90 डेज में तुम्हें सिर्फ हर रोज इतना इतना पानी पीना है। वो पानी के अंदर कुछ जड़ी बूटियां डली हुई होती है भाई, तुम्हारी पूरी बॉडी को वो एनर्जी देती है, सच्ची बात है ये। जितना जितना हम लोग खाते हैं ना, बॉडी को चलाने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती है, बॉडी को चलाने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं होती है जितना हम लोग मतलब खाते हैं, नहीं होती जरूरत बॉडी को, सच्चाई है ये। बॉडी को जीने के लिए, काम करने के लिए कुछ ही परसेंट एनर्जी की जरूरत होती है, उससे तुम सब कुछ कर सकते हो भाई। 3-3 महीना मैंने आधा आधा इतना पानी पी पी कर जड़ी बूटी डाल के मैंने फास्ट किया हुआ है 3-3 महीना। अब वो 3 महीना फास्ट होने से जो मेरी जिंदगी है, 3 महीना फास्ट करने से मेरी जो जिंदगी है वो 3 साल बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 महीना मैंने मेरी बॉडी को इतना मतलब अंदर से मैंने इतना क्लीन कर दिया, सारे ऑर्गन्स, सारी चीजें, ब्लड ले लो, सारी चीजें मैंने इतनी अंदर से उसको इतना मतलब क्लीन कर दिया कि अब मेरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना
वो 3 साल ज्यादा जीने के लिए रेडी हो गए। भाई ये सारी चीजों में साइंस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, भोसड़ी वालों गूगल कर लेना। ऐसे ही मैं मादरचोद 1952 में पैदा हुआ इंसान आज तुम्हारे सामने इतना हट्टा कट्टा खड़ा हुआ है, क्यों? ये सारी चीजों को लेकर। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं बाबा जी आज तो मतलब चीज वाला सब्जी खाना ही है, नहीं नहीं बाबा जी आज तो मतलब एक्स्ट्रा चीज वाले पुलाव खाने ही है, नहीं नहीं बाबा जी आज तो मुझे मतलब 5-7-8 रोटी ठूसने ही है। ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता ऐसा भाई। जड़ी बूटियों का सहारा लो, मेरे पास है सारी जड़ी बूटियों का लिस्ट, जितने भी अमीर लोग हैं, दिखाता हूं मैं तुम लोगों को एक दो जड़ी बूटी, रुक जाओ।